हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्स दिए हैं या ओल्ड सिलेबस में ग्रुप टू नहीं दिया है, लेकिन अब मई से, क्योंकि ओल्ड सिलेबस नहीं रहा, मई में उनको न्यू सिलेबस से एग्जाम देना है। जो फ्रेंड्स ऑलरेडी न्यू सिलेबस में रजिस्टर्ड हैं या जो फ्रेंड्स ऑलरेडी न्यू सिलेबस में एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये वीडियो नहीं सुनना है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स की कि सर अब मई अटेम्प्ट के लिए हम क्या करें। तो उसमें दो तीन तरह के स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे थे। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी किया था ग्रुप टू, कॉस्टिंग स्टडी किया, लेकिन उन्होंने ग्रुप टू नहीं दिया। पहला कैटेगरी कौन सा है? ग्रुप टू का कॉस्टिंग सिलेबस तो खत्म कर दिया, क्लासेस तो ले ली मेरी, वीडियो तो देख लिए, लेकिन ग्रुप टू दे नहीं पाए। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लासेस की, ग्रुप टू का एग्जाम भी दिया, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा ग्रुप टू क्लियर नहीं हो पाएगा। और तीसरे इस तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप टू दिया ओल्ड सिलेबस में, उनको ऐसा लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मेरी एक स्ट्रेटजी या मेरी ओपिनियन सुनना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, तीनों के लिए, इवन सपोज अगर अपन तीसरी कैटेगरी का लें कि ग्रुप टू आपने दे दिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास हो भी जाओगे, तो भी फ्रेंड्स जो ये मैं बोल रहा हूं वो करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जो लोग न्यू सिलेबस में हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्होंने कॉस्टिंग न्यू सिलेबस में करना है या कर ली है, उनको ये वीडियो नहीं सुनना है। ये खाली उन लोगों के लिए है जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि चाहे आपने कॉस्टिंग कर ली है, ग्रुप टू नहीं दे पाए हैं, या आपने ग्रुप टू दे दिया है, आपको लग रहा है आपका नहीं निकल पाएगा, या ग्रुप टू आपने दे दिया और आपको लगता है निकल जाएगा, तीनों केस में मेरे हिसाब से देखो दो पार्ट हैं इसके अंदर। एक है ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग। तो अगर अपन कंपैरिजन करें ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग का और न्यू सिलेबस कॉस्टिंग का, तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो है, पहला कि जो ओआर के टॉपिक थे, पहले 6 टॉपिक ओआर में हुआ करते थे, उसमें से अब आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें ग्राफिकल है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप सिंप्लेक्स भी करके जाइए, राइट। और एक आपका है लर्निंग कर्व थ्योरी, ये 2 बचे हैं। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिमुलेशन और सीपीएम पार्ट, ये आपका निकल गया है। आर यू गेटिंग? तो 2 टॉपिक आपके कॉस्टिंग में ओआर के रह गए। पूरे जितने भी कॉस्टिंग के टॉपिक थे, वो सारे के सारे न्यू सिलेबस में हैं, लेकिन बच्चों को क्या लग रहा है कि सम्स नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब थ्योरी हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस कम दे रखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस आना ही चाहिए, राइट। जो पहले कॉस्टिंग का सिलेबस था वो एज इट इज न्यू में है, उसके अलावा कुछ एडिशन है। ओआर निकाल दिया है, 4 टॉपिक मैंने आपको बताया, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिमुलेशन एंड सीपीएम पार्ट, लेकिन लर्निंग कर्व थ्योरी है एज इट इज और अच्छे लेवल से है। एंड दूसरा एलपीपी, एलपीपी में फॉर्मुलेशन है, एलपीपी में ग्राफिकल है, मैंने आपको बताया भी था, ग्राफिकल का रिवर्स मेथड के सम्स भी दे रखे हैं, मॉड्यूल में भी दे रखे हैं, आरटीपीज में भी पूछे थे, राइट। और उसके अलावा सिंप्लेक्स, अगर मल्टीपल की फैक्टर है तो आपको सिंप्लेक्स से भी जाना चाहिए, आपको सिंप्लेक्स भी करना चाहिए, बराबर। तो ये रहा कि भाई जो ओल्ड सिलेबस के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, चाहे वो मार्जिनल, पहले अपन मार्जिनल में अलग करते थे, तो उन्होंने क्या किया है, डिसीजन मेकिंग में सब कुछ डाल दिया, सीबीपी एनालिसिस, शटडाउन पॉइंट, लिमिटिंग फैक्टर, मेक एंड वाई, एक्सपोर्ट एनालिसिस, रिलेवेंट कॉस्टिंग, सब कुछ डाल दिया। पहले सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग था, वो भी एज इट इज आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया,
बराबर है। बजटरी कंट्रोल है, बजटरी कंट्रोल इज देयर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज देयर। टारगेट कॉस्टिंग इज देयर, TQM इज देयर। आप मुझे बताइए ना, क्या निकाला क्या जस्ट इन टाइम इज देयर। आप मुझे बताइए कौन सा टॉपिक ऐसा है जो ओल्ड सिलेबस में था और न्यू में नहीं। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में क्या अपने पास रहता था, प्रैक्टिस मैनुअल था, मॉड्यूल था, पास्ट पेपर्स थे। न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया है कि सम्स दिए, लेकिन बहुत कम सम दिए, लेकिन वो सम करने के लिए आपने देखा होगा अपन दो तरह की बुक यूज करते हैं अपने वीडियो में। एक DKC+, DKC+ मतलब मॉड्यूल के साथ साथ आपको जो DKC के क्वेश्चन है बेस क्लियर करने के लिए आपको वो क्वेश्चन करना जरूरी है। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने जो ओल्ड सिलेबस का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग है, चाहे वो शटडाउन पॉइंट है, चाहे वो रिलेवेंट कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ट्रांसफर प्राइसिंग, डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग, कोई भी टॉपिक है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, TQM, जस्ट इन टाइम, जितने भी पुराने सिलेबस के थे वो क्वेश्चन अपन ने DKC+ बुक में क्या लिया है, वो क्वेश्चन लिए है, राइट। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि सर न्यू सिलेबस में फिर एडिशन क्या है, न्यू सिलेबस में फ्रेंड्स केस स्टडीज, केस सिनेरियो और स्किल बेस्ड असेसमेंट, ये तीन चीजें नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए ओल्ड स्टूडेंट को, मैं तो ये भी बोलता हूं जो लोग को ऐसा लगता है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और उनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे, फिर भी फ्रेंड्स यूट्यूब के अंदर इतने अच्छे तरीके से, इतने बेस्ट तरीके से केस स्टडीज का स्किल बेस्ड असेसमेंट, ये इसके लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स ने फ्री में लेक्चर्स डाले हुए हैं, राइट। तो अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहला स्ट्रेटजी मैं ये बोलता हूं कि आप मेरा DKC+ का बुक ले लो, बराबर। उसके साथ मैं आपको सॉल्यूशन बुक देता हूं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सॉफ्ट कॉपी दे देता हूं क्वेश्चन बुक का, सॉल्यूशन बुक का, पहले वो टिक कर दीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप टिक कर दीजिए। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप लोकल ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी है, आप फटाफट प्रिंट आउट निकाल के वो टिक कर दीजिए। उसके अलावा मैंने जो ICI का लेटेस्ट मॉड्यूल है, ICI के लेटेस्ट मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए, तो ICI का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो भी मैंने DKC फॉर्मेट में पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप उसको भी टिक मार दीजिए, बराबर। आप ओल्ड सिलेबस में आपने एग्जाम दिया है चाहे नहीं दिया है, पढ़ा है नहीं दिया है, आप सबको ये करना है कि पहले प्रिंट आउट लेके आप टिक मार दीजिए, ओके। जिन लोगों ने दे दिया है और जिनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे उनको याद होगा कॉस्टिंग, तो उनको टिक मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिन भी प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे से केस स्टडीज, केस सिनेरियो और स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर की है, थ्योरी बहुत अच्छे से कवर की है, आपको एक रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये प्रॉमिस करिए, आप मुझे मैसेज करिए प्रॉमिस करके कि सर ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, आपको एक भी कोई वीडियो नया खरीदने की जरूरत नहीं है, बराबर। आपको एक रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, आई एम विद यू, मैंने आपसे बहुत कमाया है, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपको क्वेश्चन बुक दे रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बुक दे रहा हूं, सबसे टफ जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको लगता है उसको पूरा वीडियो आपको मैं फ्री दे रहा हूं, आपको एक रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको एक भी नया वीडियो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पहले मेरा क्वेश्चन से सॉल्यूशन टिक कर लीजिए, मॉड्यूल पूरा DKC फॉर्मेट में वो टिक कर लीजिए, और थ्योरी के लिए और केस स्टडीज, केस सिनेरियो और स्किल बेस्ड असेसमेंट के लिए आप यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स, राइट, आपको मिल रहे हैं, आप वो लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हाँ, हंसते हुए आप अपना ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। आपकी और भी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा नंबर है 9820030925, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा वीडियो के थ्रू। थैंक यू।